हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन। तो देखो, चाउमीन को मैंने ना सेमी बॉईल कर लिया है। तो उसमें ना मैंने पानी में हल्का सा सॉल्ट और ऑयल डाला था, और साइड में मैंने रेड चिली बॉईल करी है, क्योंकि इसका मुझे पेस्ट बनाना है। तो इसको अभी थोड़ा ठंडा करने के लिए ना मैंने रखा हुआ है। तो और मैंने अनियन कट कर ली है, और कैप्सिकम, और ये है पत्ता गोभी और ग्रीन चिली। तो इन सबको मैंने हल्का हल्का छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। तो अब मैं इसको जा रही हूँ वो ठंडा करने के लिए। तो मैंने इसको एक डलिया में ना डाल लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी चला के इसको ठंडा करेंगे, एकदम ठंडा कर लेंगे। हल्की से भी गर्म नहीं रहने देंगे, ताकि इसके आगे अगर हल्की से भी गर्म रहेगी ना तो ये चिपकेगी। इसलिए एकदम इसको पानी चला के एकदम ठंडा कर लेंगे। तो अब ना मैं अपने भाई को बुलाया है, क्योंकि वहाँ से वो विनेगर और मुझे सोया सॉस उतार के देगा, क्योंकि ना मेरा हाथ नहीं जाता। इस वजह से मैंने इसकी हेल्प ली, और इस वाले ड्रॉर में रखा है अजीनोमोटो, जो कि है चाइनीज़ नमक, जो कि हम डालेंगे अपनी चाउमीन में। बिना अजीनोमोटो के हम चाउमीन नहीं बना सकते, क्योंकि जो घर में हम नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं ना, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, बिल्कुल भी चाउमीन जैसा टेस्ट नहीं आता। इसलिए अजीनोमोटो को डालना ही पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे अपनी ये जो ग्रीन चिली है, इसका ना पेस्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसमें हल्का सा पानी और ऐड करके हम इसका ना पतला सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि इसमें ना हम चाउमीन में चिली, रेड चिली का ना पाउडर नहीं डालते, पाउडर वाली चिली नहीं डालते। इस वजह से ना हम इस वाली जो सूखी मिर्च होती है, इसका पेस्ट बना के फिर डालेंगे। तो अभी ये ग्राइंड कर रहा है मेरा भाई, क्योंकि ना मुझे देखो ये है अजीनोमोटो का पैकेट, सॉल्ट का पैकेट। तो और ये है सोया सॉस, और ये है विनेगर। तो अभी तो ये कम कम हो गए, क्योंकि हम यूज़ करते रहते हैं। और ये है चाउमीन, तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडी हो गई, एकदम नॉर्मल। तो अब इसमें हल्का सा ना ऑयल डाल के इसको मिला देंगे, ताकि ना ये थोड़ी क्या कहते हैं सॉफ्ट सी हो जाए, और चिपके नहीं आपस में। और ऑयल लगाने से क्या होगा, चाउमीन ना आपस में चिपकेंगे नहीं। तो अच्छे से हाथों पे और चाउमीन के ऊपर ना ऑयल डाल के उनको अच्छे से अप्लाई करना है, हर एक चाउमीन में अंदर तक, ताकि चाउमीन ना आपस में चिपके नहीं तो ये आपस में ना छोटी छोटी चिपक जाती है, और इनमें गांठें बनने लग जाती है चाउमीन में। अब हम अपने ना चाउमीन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो उस कढ़ाई को मैंने वॉश करा था, तो उसमें अभी थोड़ा ना पानी है। इस वजह से अभी मैंने गैस ऑन रखी है, ताकि कढ़ाई का जो भी पानी ना वो सब सूख जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो जितना भी ऑयल आपको डालना हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे इसमें चाउमीन में तो हमेशा कम ही ऑयल डालता है, बाकी नहीं तो ऑयली ऑयली ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। तो अब हम अपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर तो उसके बाद गरम करने के बाद बाकी सामान डालेंगे। तो फर्स्ट हम डालेंगे अनियन। तो अनियन को डाल के इसको ना गोल्डन फ्राई करना है हमको। तो अभी मैं सारी अनियन को डाल दूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी, जब तक ये गोल्डन गोल्डन ना हो जाए। नहीं तो जब गोल्डन नहीं होगी तो खाने में थोड़ी कच्ची कच्ची लगेगी, इस वजह से हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और अपनी गैस को हमको ना हाई पर रखना है, तो हम लास्ट तक अपनी गैस को ना हाई फ्लेम पर रखेंगे। तो अभी मैंने अनियन डाल के इसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। सो अब देखो, हमारी अनियन ना गोल्डन गोल्डन शेड देने लगी है। तो अब इसके अंदर हम ना बाकी सामान ऐड करेंगे। तो अब हमने डाली है अपनी ग्रीन चिली,
और इसके बाद ये डालेंगे हम शिमला मिर्च, और इसके बाद ये है पत्ता गोभी। तो इन सबको डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सब्ज़ियाँ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो अब इस सारे सामान को डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इनको भी अच्छा से गोल्डन शेड आने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो भी कच्ची सब्जी की स्मेल होती है वो निकल जाए। तो अच्छे से इनको अभी हम फ्राई करते हैं। कम से कम 10-15 मिनट तक हमको उनको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो सब्ज़ियाँ थोड़ी गली गली सी हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। दस मिनट तक हमने अपनी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करा। आप देखो शेड भी अब चेंज हो गई सब्जियों की। तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी रेड चिली का पेस्ट, जो कि हमने अभी पेस्ट बनाया था। तो अब इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हम अपनी चाउमीन। इसके बाद अभी चाउमीन देखो कितनी लंबी लंबी हो रही है। अगर किसी को छोटे छोटे पीस पसंद है चाउमीन के, तो वो ना चाउमीन को थोड़ा तोड़ के भी बॉयल कर सकता है। तो इससे क्या होगा, चाउमीन के जो पीस होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। बट मुझे ना लंबे लंबे नूडल्स पसंद है चाउमीन में। मैगी के मैं क्रिस्पी करके बनाती हूँ, लेकिन चाउमीन में क्या होता है, नूडल्स लंबे लंबे पसंद आते हैं। तो अब मैं इनको अच्छे से ना फ्राई करूँगी, ताकि जो भी जो सारा हमारा मसाला है ना चाउमीन के अंदर चला जाए और अच्छे से चाउमीन फ्राई हो जाए। तो हम चाउमीन को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं अभी। उसके बाद ये है हमारा अजीनोमोटो। बिना अजीनोमोटो के ना चाउमीन अच्छी बन नहीं सकती कभी। तो हमने इसमें ना एक चम्मच अजीनोमोटो डाला है। इसके बाद जो हमारे घर में नमक यूज़ होता है ना, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो बिल्कुल आधा चम्मच से भी ना कम हम सॉल्ट डालेंगे, जो हम घर में यूज़ करते हैं वो वाला। और इसके बाद ये हमारा सोया सॉस। तो सोया सॉस को डालते समय सोया सॉस भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर। तो विनेगर भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बाकी मुझे अंदाज़ा है कि कितना कितना डालेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार चाउमीन बनाई है, इसलिए अंदाज़ा हो गया है। बाकी आप ना ये जो विनेगर और सोया सॉस के साथ जो ढक्कन आता है, उसका कैप होता है ना, उसमें भी डाल डाल के मेज़रमेंट करके अपने चाउमीन में डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा, ज़्यादा ना हो जाए ना सोया सॉस ना कि विनेगर, इससे नहीं तो खट्टा खट्टापन आएगा। और बाकी मैं अब इस ना चिमटे से चला रही हूँ। इससे चम्मच से क्या था, करछी से कि अच्छे से चाउमीन फ्राई नहीं हो पा रही थी। अब चिमटे से क्या, हम पूरी चाउमीन को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, ग्रिप बना पा रहे हैं, ताकि चाउमीन को हम ऊपर नीचे कर पाएँ, पलट पाएँ। तो इससे क्या होगा, चाउमीन अच्छे से मिल पाती है आपस में। तो आप भी ना चिमटे का ट्राई करना, बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है। बाकी अब मेरी चाउमीन बन गई है। तो 10 या 15 मिनट तक मैंने इसको फ्राई करा सोया सॉस और विनेगर डालने के बाद। बस 10 से 10 मिनट, हाँ 10 मिनट आप बस इसको फ्राई करो। उसके बाद आपकी चाउमीन रेडी है। सो मेरी चाउमीन रेडी हो गई। मैं गैस बंद कर रही हूँ। सो हमारी चाउमीन बन के रेडी हो गई है, और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे पसंद है चाउमीन और कोक। तो किस किस को चाउमीन और कोक पसंद है एक साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।